कटिहार के प्राणपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महादेवपुर शाखा में लूट की कोशिश हुई है। बताया जाता है कि एक नकाबपोश युवक बैंक में आया और लूट की कोशिश करने लगा। उसके पास कोई बंदूक या कट्टा नहीं था, बल्कि वो एक हथौड़ा लेकर बैंक लूटने आया था। बैंक में घुसते ही उसने हथौड़े से गेट के शीशे तोड़ डाले। अंदर आने के बाद लुटेरा कैशियर से शाखा प्रबंधक तक पर हथौड़ा चलाने की कोशिश की, फिर निकासी काउंटर के शीशे पर हथौड़ा मारा और कैशियर से रुपए की मांग की। इसी दौरान बैंक में मौजूद ग्राहक और कर्मियों ने युवक को दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहले उसकी जमकर पिटाई की, हालांकि पिटाई के दौरान भी उसने कुछ नहीं बताया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक की पहचान रोशना ओपी क्षेत्र के लाभा गांव निवासी मंजूर आलम के बेटे मोहम्मद सद्दाम के रूप में हुई है। उसने अकेले कैसे इस तरह की हिम्मत जुटाई और उसकी योजना क्या थी, इस बारे में पूछताछ चल रही है। आज सुबह करीब करीब 10:50 में एक मिस्क्रिएंट अचानक से हाथ में हथौड़ा लेकर के ब्रांच में घुसा। पहले गेट पे एक हथौड़ा लगा के गेट का ग्लास को तोड़ने के बाद में दौड़ करके मुख्य खजांची के पास गया और वो पैसे की डिमांड करने लगा, और डिमांड के साथ ही वो जो काउंटर पे लगा हुआ ग्लास है उसको वो जोर से हथौड़ा से उसको डैमेज कर दिया। उसके बाद में फिर ब्रांच मैनेजर की तरफ को दौड़ा और इसके बगल में जो लगा हुआ काउंटर है वो सारे शीशे को जो है तोड़ करके चकनाचूर कर दिया। मौके पे ही पुलिस गश्त द्वारा उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया।